हाँ तो सभी को स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु का नाम। इससे जो है एक दो प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इसलिए प्लीज आप छोटा सा वीडियो इसको लास्ट तक जरूर देख लेंगे ताकि आपका एक बार रिविजन हो जाए। तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का जो नाम था चाणक्य था। उसके बाद आता है सिकंदर महान। सिकंदर महान के बारे में भी आप लोग सभी जानते हैं। तो सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के जो गुरु थे अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु जो थे प्लूटो थे। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु हुए, और अरस्तु के गुरु जो थे प्लूटो हुए, और प्लूटो के जो गुरु थे सुकरात थे। काफी इंपॉर्टेंट ये तीन प्रश्न है आपके। इस तीनों में से एक न एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो हम आपके कुछ महत्वपूर्ण जितने भी सिलेबस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे मैं आपके लिए कुछ क्रैश कोर्स की तरह जो है लेकर आ रहा हूँ। काफी छोटा छोटा वीडियो है लेकिन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे हमेशा जो है अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आती है महात्मा गांधी। तो आप लोग सभी जानते हैं महात्मा गांधी के गुरु का जो नाम था गोपाल कृष्ण गोखले था, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम जो था एमजी रानाडे था। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे वो थे एमजी रानाडे। उसके बाद कबीर, कबीर के जो गुरु थे रामानंद थे, और सूरदास के जो गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। उसके बाद मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई के सभी आप लोग जानते हैं। मीराबाई के गुरु का जो नाम था रैदास था, और तुलसीदास, तुलसीदास के गुरु का जो नाम था बाबा नरहरि था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे उनका नाम जो था चित्तरंजन दास था। उसके बाद शिवाजी, शिवाजी के गुरु का नाम जो था दादाजी कोंडदेव देव था। उसके बाद बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जो था आनंद पांडे था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का जो नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे स्वामी बिरजानंद थे। तो ये छोटा वीडियो है लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण जो है वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।